एक बार फिर से स्वागत है आप सबका यशिकास केयर पर। आशा करती हूँ आप सबकी प्रेगनेंसी लाइफ और बेबी केयर लाइफ अच्छी चल रही होगी और आपके बेबीज भी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने शरीर को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। नॉर्मल डिलीवरी माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ होती है, इसीलिए कोशिश करते हैं डॉक्टर भी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो नॉर्मल डिलीवरी की जाए। पर क्या होता है, जैसे आपने पूरे प्रेगनेंसी के दौरान अगर सबसे एक्सपीरियंस पूछा हो, सबसे चीज़ें पूछी हो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने पूछी होगी वो यही कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कितना दर्द होता है। ये जो दर्द का डर है ये हम अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा लेते हैं कि जब लेबर पेन शुरू होता है, वो लेबर पेन शुरू होते ही हम नॉर्मल डिलीवरी के बजाय हम ऑपरेशन करने के लिए खुद को तैयार कर देते हैं, क्योंकि हमने पूरे 9 महीने उस डर के बारे में सुना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जब भी हम डरते हैं तो हमारी बॉडी की जो मांसपेशियाँ हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। वो जब सिकुड़ती हैं और जब बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है तो उस वजह से जो हमारा दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चे को बाहर आने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका जब ऑपरेशन भी होगा तो उससे पहले भी आपको लेबर पेन के साथ गुजरना ही होगा। जब तक आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होगा तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन दोनों के लिए लेबर पेन का होना ज़रूरी है। तो लेबर पेन जब होता है, आपकी बॉडी में सबसे पहली चीज़ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सेकेंड चीज़ आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना होगा और आप लास्ट के कुछ मंथ में कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे क्या हो, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और नॉर्मल डिलीवरी सेफली हो जाए। पहली चीज़ आप डरेंगे नहीं, सेकंड चीज़ आपको अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको ऐसी चीज़ें खानी होंगी जिससे आयरन और कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में ना हो, देन आपको ऐसी चीज़ें खानी होंगी जिनमें न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले। आपको प्रेगनेंसी के दौरान खूब पानी भी पीना चाहिए, आपको पानी भी अच्छे से पीना होगा जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी भी ना हो। स्ट्रेंथ के लिए आपको अच्छा खाना खाना है, आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने हैं जो भी डॉक्टर आपको बताते हैं, और आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें आयरन और कैल्शियम अच्छा हो। आपको टेंशन नहीं लेनी है, पूरी प्रेगनेंसी में आपको तनाव से मुक्त रहना है जिससे आपकी डिलीवरी पे फ़र्क ना पड़े और आपके बच्चे पे फ़र्क ना पड़े। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने अच्छे से खाना खाया, पर खाना खाने के बाद आपको वॉक करनी चाहिए। खाना खाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको आधे से 1 घंटे घूमना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना ज़्यादा वॉक करेंगी, जितना ज़्यादा आप घूमेंगी और जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगी, उतने आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको अपने खाने पे ध्यान रखना होता है और आपको अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखना होता है कि आपको एक्टिव रहना होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्टिव हो, आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो बनी रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, 7वें महीने के बाद से शुरू कर सकते हैं घी लेना। जितना ज़्यादा आप घी लेंगे, 5वें महीने से आप थोड़ा थोड़ा करके घी जो है अपने खाने में शामिल कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। जिस भी चीज़ में आप घी यूज़ कर सकती हैं खाने में, उस तरीके से आप घी यूज़ कीजिए अपने खाने में और घी खाइए। लास्ट के कुछ मंथ में आप दूध में घी डालकर ज़रूर पीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है नॉर्मल डिलीवरी में। तो ये हो गई नॉर्मल डिलीवरी की कुछ बातें। पहली चीज़, आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना होगा। आपको ऐसी चीज़ें खानी होंगी जिससे आपके शरीर में ताकत बनी रहे, आपकी शरीर में खून की कमी ना हो। तीसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, बहुत ज़्यादा घूमते रहना चाहिए। चौथी चीज़, आपको जो है 5वें महीने के बाद थोड़ा थोड़ा घी अपने खाने में यूज़ करना है और 7वें महीने के बाद उस घी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी है। इसके साथ साथ आप घर के छोटे मोटे काम भी कर सकती हैं। भारी काम प्रेगनेंसी में नहीं करने चाहिए, पर छोटे छोटे काम आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, जैसे बैठकर झाड़ू लगाना। जब आप बैठकर झाड़ू लगाएंगी तो आपकी जो पैरों की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप जब झाड़ू लगाती हैं बैठकर, तो पोजीशन में आप चल सकती हैं, तो बहुत बढ़िया, उसको कहते हैं डक वॉक। नीचे बैठकर जब हम चलते हैं तो उसको डक वॉक कहते हैं। वो आपको अपनी डिलीवरी से पहले करनी चाहिए। आपको बैठने वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी।
मुझे लगता है मुझे जितनी भी नॉलेज इस दौरान हुई है मुझे वो नॉलेज आपको देनी चाहिए, जिससे आपकी भी हेल्प हो सके और मेरी जैसी और जो भी लेडीज़ हो उनकी इससे हेल्प हो। इसी वजह से जो ये मैंने चैनल है शुरू किया है और इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ आप लोग के लिए, ताकि इससे आपकी हेल्प हो सके। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना जो भी आपका सजेशन होता है, आपके क्वेश्चन होते हैं मुझसे ज़रूर पूछिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकूं। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।